शो सहित कई कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। मानसरोवर के सामुदायिक केंद्र में ये आयोजन हो रहा है। विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ट्रस्ट की फाउंडर शिप्रा कुलश्रेष्ठ भी यहाँ पर मौजूद है। सांसद रामचंद्र बोहरा इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। चलिए इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, पूरे कार्यक्रम को की रूपरेखा क्या है, क्या अपडेट है? बिल्कुल चित्रा रहा, एक मिशन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी ओर से पिछले 3 दिनों से राजधानी जयपुर की विभिन्न कच्ची बस्तियों में विभिन्न प्रतियोगिता जो स्वच्छता संदेश है उसके कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। तो वहीं आज जो मानसरोवर का कम्युनिटी हॉल है उसमें इन बच्चों के लिए एक बाल मेला आयोजित किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाएंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। तो वहीं चैरिटेबल ट्रस्ट की जो फाउंडर है शिप्रा कुलशेठ वह भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर आज इन बच्चों के लिए विशेष तौर पर जो इन ये बच्चे जो चीजें नहीं देख पाते हैं, जहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, उन चीजों को इन बच्चों तक लाया गया है। यहाँ बंजी जंपिंग होगी, मैजिक शो होगा, टॉय ट्रेन की यात्रा होगी, इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। तो वहीं पिछले 3 दिनों से राजधानी जयपुर की जो कच्ची बस्तियों में प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे स्वच्छता की जो कहानियां हो, इसके अलावा ही स्टोरी टेलिंग की हो, उसको लेकर आज जो बच्चे विजेता हैं उनको भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। पूरे दिन आज बच्चों के लिए ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है। जो चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर हैं शिप्रा कुलश्रेष्ठ, उनके द्वारा ये पहल की गई है। इन बच्चों को जो इस मेले में आके आनंद की अनुभूति हो रही है वह बहुत ही अच्छी हो रही है। बच्चे यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे हैं। इस समय जो मुख्य कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है और अब थोड़ी देर में ये जो गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत होगी। जी चित्रा, बिल्कुल ललित, और ये तस्वीरें लगातार पहुंचा पा रहे हैं। और ललित, इस पहल की यहाँ पर तारीफ करनी होगी क्योंकि कच्ची बस्तियों में और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए एक अच्छा और बेहतर जीवन क्या होता है, किस तरीके से बच्चे और एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं, ये बताने के लिए ये पूरी जो 3 दिन की प्रोसेस चल रही थी वाकई वो अपने आप में तारीफ करने लायक है। जी बिल्कुल चित्रा, जब जो ट्रस्ट की फाउंडर हैं शिप्रा कुलशेठ, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कई ऐसे कार्यक्रम में जब वह जाती थी तो इन बच्चों को दूर से ही वह नजारे देखते हुए देखती थी, क्योंकि वह पास उनको जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वह इन चीजों का आनंद उठाएं। तब उनके मन में एक भावना जागी, क्यों ना इन बच्चों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए कि ये बच्चे भी इन जो ये कार्यक्रम होते हैं इनका आनंद उठा सके। इसीलिए पिछले 3 दिन से जो ये कार्यक्रम चल रहे थे, इसके अलावा समय समय पर रहा एक मिशन के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनको इन बच्चों को बुलाकर एक मेले का आयोजन करवाया जाता है। इनको जो गतिविधियों से ये बच्चे दूर रहते हैं, चाहे वो पंजी जंपिंग हो, पंजी जंपिंग के बारे में इन बच्चों ने आज तक सुना भी नहीं है, आज ये वो पंजी जंपिंग कर रहे हैं। मैजिक शो, इतने पास से देखना, हमेशा दूर खड़े ही मैजिक शो देखा है जिसे ये पूरी तरीके से देख भी नहीं पाते थे। चाहे टॉय ट्रेन हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांसिंग हो, हर क्षेत्र में इन बच्चों का सीधा हस्तक्षेप है, वह सीधे इन गतिविधियों को कर रहे हैं। तो ऐसे में इन बच्चों की जो खुशी का ठिकाना है वह वास्तव में जितना काबिले तारीफ जो देखने वाला है वो काबिले तारीफ है। दूसरी ओर जो मिशन के द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही है, इस मिशन से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो ये बिल्कुल ललित, और एक यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है कि आमतौर पर हमने देखा है कि बुके देकर स्वागत किया जाता है या कुछ और देकर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर एक पहल और देखने को मिल रही है कि यहाँ पर प्लांट्स देकर स्वागत किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए।